नमस्कार प्रणाम शिस्त्रिया का लदाब हो लगातानी हमारा नाम भाई अमित पट्टा में आज हम पहुंचल बाटी जनपद संत कबीर नगर के खलीलाबाद एच आर पी जी डिग्री कॉलेज पर जहां पर छात्र संघ का चुनाव होता आपके दिखावा तानी कि आप देखिए पूरी तरह से चुनाव समाप्त हो गए बा और चुनाव का मतगणना का घोषणा हुए वाला बा जोने में आपके बतावा तानी की लड़ाई वेद प्रकाश पांडे और शैलेंद्र यादव में मुकाबला बा और जोने के लेकर के हम दिखावा थे बच्चों का उत्साह और यहाँ पे पूरी तरह से पुलिस व्यवस्था शांति व्यवस्था बनाए खातिर पूरी तरह से छुट्टी हुई है। यहाँ पर हम कहना चाह रहा हूँ कि पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पे पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद बा और यहाँ हम आगे बढ़ता थी यहाँ छात्र छात्रों की जीत है जो हमारे लिए हमारे बीच में हमारे लिए संघर्ष किए हैं ये उन छात्रों की जीत है। हमने कभी भी अधिकतर पढ़ाई नहीं यहाँ बल्कि छात्र छात्राओं ने हमको चुनाव लड़ाया और जिताया है और आज मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ आने वाले जो साल है इसमें ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज हम आपको बता नहीं सकते क्या स्थिति है कि क्या किया जाए। आज कुछ बीच में यहाँ के समस्त छात्र छात्राओं ने मेरे ऊपर विश्वास करकर ये मुझे पद दिया है ये मौका दिया है कि आपकी सेवा कर सकूँ। ऐसे निरंतर साल भर आपके बीच में रहूंगा और आपके लिए हर एक कार्य हर एक संघर्ष करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सलीम यादव। वो क्या नाम है वो बहुत शानदार आपने मेरा नाम वेद व्यास पांडे है। मैं विगत 4 साल से विद्यालय में संघर्ष किया हूँ। बच्चों ने मेरी योग्यता देख के मुझे उस लायक समझा लेकिन कहीं ना कहीं मेरी कुछ कमियां रह गई। मेरे पास गौरव नहीं था कुछ फैमिली से अपना घूम आया लेकिन फिर भी जो लोगों ने मुझे स्नेह और प्यार दिया मैं सदैव घिड़ी रहूँगा। आगे मैं भविष्य में भविष्य की राजनीति करने जहाँ लोग सबसे बड़े लोग छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहते जो आपको छात्र छात्राओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने लोग मुझे योग्य समझे वोट किया और इन्होंने मुझे योग्यता नहीं समझा हमारे मतलब संघर्ष को नहीं समझा। विगत 4 साल संघर्ष के पिछला अध्यक्ष मेरे से हमारे संघर्ष बना था लेकिन मैं सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आने वाले भविष्य में किसी छात्र छात्रा कोई समस्या होती है छात्र की राजनीति में उनके लिए हमें सरकार किसके जीत में खुशी मना रहे हैं आप लोग किसके जीत में खुशी मना रहे हैं जी जी जैसे क्या मिल गया हमारा भाई शैलेंद्र यादव जिंदाबाद शैलेंद्र यादव ठीक ठीक जिंदाबाद जाइए हम पकड़ ले
अरे आप बोलिए कुछ केले बताए प्रदीप। अच्छा अच्छा जी, कौन प्रतिनिधि था किस जी? और कोई बोली किस पद से थे? महामंत्री पद के लिए वैलेट क्रमांक एक था, जिन्होंने इस महाविद्यालय आचार्य पीजी खरीदा संत कवि नगर के नव निर्वाचित महामंत्री पद नियुक्त हुए हैं। मैं इस महाविद्यालय में सभी छात्र छात्राओं को दिल की गहराइयों से हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से प्यार इसने आप लोगों ने इस महाविद्यालय के लिए प्रदीप यादव को दिया, उसी तरह आने वाले सभी पदाधिकारियों को दीजिएगा। धन्यवाद। जय संघर्ष किया प्रदीप को लेकर और हम लोग का संघर्ष के लिए हम प्रदीप भैया के लिए हम जान भी दे सकते थे। और हमने भी कहा था इससे पहले एक न्यूज में कहा था कि आप सीना चीर के देख लीजिए, इसमें सिर्फ प्रदीप रहेंगे। और आज कायम भी हुआ संघर्ष हम लोग के बाद। धन्यवाद भैया, आप लोग आप सभी छात्र छात्राओं को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। पंकज कुमार जी का रखा हुआ इस प्रकार पंकज कुमार अपने पार्टी को 614 मतों के पराजित कर उपाध्यक्ष को निर्वाचित घोषित किए जाते महामंत्री पद। अवैध 10 वैध मत 1881 प्रदीप यादव 883 सुरेश मिश्रा 495 सत्यम शर्मा 530 इस प्रकार प्रदीप यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सत्यम शर्मा को 380 मतों से पराजित कर महामंत्री पद के लिए निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। उस कार्य मंत्री अवैध मत 1881 आकाश को तस्वीर सरकार के प्रति घोषित किए जाते हैं। प्रक्रिया सफल संपन्न हुई।